Everyone, welcome to the lecture on the categories of the paste. So in this lecture we are looking at what are the kinds of the categories of the paste and they are occurring on the various crops. बेसिकली आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो पेस्ट होते हैं, अब आप बोलेंगे कि पेस्ट इंसेक्ट एंटोमोलॉजी का टॉपिक है, क्योंकि ये पेस्ट में इंसेक्ट भी आते हैं, रेड्स भी आते हैं, माइट्स भी आ सकते हैं, टर्माइट भी आ सकते हैं, ठीक है, गिलहरी होती है, ये सारी चीज़ें हो सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ें, स्क्वेरल, ठीक है, मतलब ऐसी कोई भी जीव जंतु जो हमारे क्रॉप को इस लेवल तक डैमेज कर रहे हैं कि हमारा इकोनॉमिक लॉस हो रहा है यील्ड का, वो सारे पेस्ट के अंतर्गत कैटेगराइज किए गए हैं, जिसका आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे. यही मैंने अभी इंग्लिश में भी बोला. सो हम देख लेंगे कि कौन कौन से क्रॉप में वो पाया जाता है. तो बेसिकली ब्रॉडली वी कैन कैटेगराइज द पेस्ट इनटू थ्री लेवल्स, से दैट बेस्ड ऑन लेवल ऑफ अक्रेंस और बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन और द डैमेज कैपेसिटी और बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन लेवल. सो से अंडर द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ अक्रेंस, सो इट इज़ मेनली डिवाइडेड और कैटेगराइज लुकिंग इन टू द एसोसिएशन ऑफ द पेस्ट विद अ क्रॉप. सो अंडर द अंडर दिस वी नॉर्मली ग्रुप द पेस्ट एज द रेगुलर पेस्ट, एंड द रेगुलर पेस्ट इज द वन वेयर इट अकर मोर फ्रिक्वेंटली और रेगुलरली ऑन अ क्रॉप एंड इट हैज़ अ वेरी क्लोज एसोसिएशन विद अ पर्टिकुलर क्रॉप. फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है उनके ऑकरेंस, यानी वो कितने, मतलब किसी क्रॉप में बार बार आ रहे हैं कि पर्टिकुलर एक ही क्रॉप में आ रहे हैं, क्या एक से अधिक क्रॉप में आ रहे हैं, कि इस तरह का जो उनका ऑकरेंस है उनके बेसिस पे पहला है रेगुलर पेस्ट. और ये रेगुलर पेस्ट मतलब ये होता है कि वो क्या होता है, मोर फ्रिक्वेंटली, यानी वो लगातार उसी फ्रिक्वेंसी के साथ और रेगुलरली एक क्रॉप में कंटिन्यू, मतलब जैसे ही हमने वो क्रॉप लगाया उस पेस्ट का आना निश्चित ही होता है. तो ये एक रेगुलर पेस्ट होता है उस पर्टिकुलर क्रॉप का, ठीक है, जिस मतलब इसलिए यहाँ पर बोला गया दे हैव अ क्लोज एसोसिएशन विद अ पर्टिकुलर क्रॉप. जैसे कि एग्जांपल है आपका थ्रिप्स, जो कि चिली में हमेशा आता है, और इसके अलावा कॉटन में एफिड. तो एग्जांपल से आपको चीज़ें जो है बहुत इजीली क्लियर हो जानी चाहिए. ओके, सो द दैट मीन्स wherever and whenever you grow this crop, that particular pest is going to occur. For instance, like chili, when chili crop is grown anywhere in the world, so the thrips pest, they are associated with it and they are bound to occur. So that kind of a pest we normally refer it as a regular pest. So then the second categories, okay. Now we see the second category is the occasional pest. So what is the occasional pest? So the occasional pest is the one which occur infrequently or occasionally on a particular crop. I think it is clear to their name ki occasionally aayega, theek hai, that is because they don't have any kind of close association with the particular crop. Jaisa ki humne pehla dekha tha regular, just uska opposite hai. Yahan par ye frequently nahi आएगा और इसका पर्टिकुलर क्रॉप से कोई क्लोज एसोसिएशन नहीं होने वाला है या होता है. सो फॉर इंस्टेंट इन अ पैडी, एग्जांपल हम लेते हैं किसका, एज अ पैडी वी गेट अ पेस्ट दैट इज कॉल्ड एज केस वॉर्म, एंड दिस केस वॉर्म डजंट अकर रेगुलरली, बट हाउएवर हियर एंड देयर वी सी द आउटब्रेक ऑफ द पेस्ट इन सर्टेन रीजन एट अ सर्टेन टाइम. यानी कुछ समय के लिए, कुछ निश्चित समय के लिए किसी किसी रीजन में कभी कभार देखा गया है केस वॉर्म को, राइस के केस में. सो देन द थर्ड कैटेगरी हम देख लेते हैं क्या है. ओके, नाउ वी सी द थर्ड कैटेगरी, दैट इज द सीजनल पेस्ट. सो इन दिस केस द पेस्ट अकर ऑन अ क्रॉप एट अ पर्टिकुलर सीजन ऑफ द ईयर. सो फॉर एग्जाम्पल लाइक द RHHC, ओके, तो दिस इज द रेड हैरी कैटर पिलर, तो कन्फ्यूजन मत करिएगा अपने माइंड में इसका फुल फॉर्म. ओके, ऑन अ ग्राउंड नट, सो द पेस्ट दे ऑकर ऑन अ क्रॉप एट अ पर्टिकुलर सीजन ऑफ द ईयर, दैट मीन्स रेड हेडेड हेरी कैटरपिलर्स
see that see this paste comes on groundnut in a particular area only in a particular season, say on the onset of the like monsoon, or so every year it comes to that crop in the particular region on the onset of the monsoon, and that indicating that it is seasonally associated with that particular cotton crop. Okay, so this is the groundnut crop. This is the red headed hairy caterpillar on groundnut that occur in a kharif season, which is monsoon season. So this is the seasonal paste. Now, and fourth category under the occurrence is the persistent paste. So the persistent paste is the nothing but the one that occur on a crop throughout the year, yani ye saal bhar rehta hai. See, generally we see that this kind of the an association with the perennial crop, yani jo bahuvarshiya आपके जो क्रॉप होते हैं, ठीक है, फसलें होती हैं जो एक साल से ज़्यादा तक रहते हैं, इनमें एसोसिएशन दिखता है क्योंकि ये साल भर रहते हैं, ऐसे जो इंसेक्ट्स रहते हैं. सो सच जैसे कि फ्रूट क्रॉप है, और एज अ प्लांटेशन क्रॉप, फॉर एग्जांपल ऑन मैंगो यू गेट द मिली बग और द स्केल, एंड एज वेल एज द लाइक व्हाट इज कॉल्ड द थ्रिप्स ऑन द चिली एंड लाइक कार्डमन. एंड इसके अलावा है, ठीक है, एग्जाम्पल में प्लांटेशन क्रॉप आप ले सकते हैं. सो दिस थ्रू आउट द ईयर एंड वेन एवर दिस क्रॉप इज प्रेजेंट दे आर एसोशिएट विद इट. तो दिस इज द फोर्थ कैटेगरी अंडर द ऑक्रेंस, दैट इज द परसिस्टेंट पेस्ट. एग्जाम्पल इज मिलीबग एंड स्केल ऑन मैंगो एंड ग्रेप्स एंड थ्रिप्स ऑन द चिली एंड कार्डमन. दिस इज द यू कैन सी पिक्चर्स. Okay, now we see the fifth category. It is called the sporadic paste. Okay, so this sporadic paste is the one which occur on a crop in a few isolated localities or in a patches. So here the paste occur not regularly or not frequently, but here and there sporadically. Say for example on like paddy we will get gall mitch, or example is that so where it occur sporadically in a certain region, and like example हमने लिया है rice में gall mitch. okay, so certain region and it is only restricted to that particular area. so now another category जो है on the under the occurrence, that is the sixth is the cyclic paste. okay, हम देख लेते हैं. so this is the paste which occur at a particular crop once in a 8 to 10 year. so generally such type of paste who are going to emerge or burst out in a cyclic manner in a periodically and particular period, which is usually like that distributed over 8 to 10 year, that generally earlier the locust used to come as a very classic cyclic paste. As example you can take Deccan wingless grasshopper or locust भी ले सकते हैं. okay, तो ये एक particular मतलब cycle के cyclic cycle कैसे चलता है particular किसी भी crop का, उसके according ये क्या होता है, ये paste जो होते हैं 8 से 10 साल में एक बार आते हैं, मतलब उस एक cycle है 8 से 10 साल का, उसके एक बीच में एक बार ये paste जरूर आएगा. ठीक है, तो this is the now this is called cyclic paste. but however now with a close monitoring through the locust warning organization, so the paste has now been suppressed. okay, क्योंकि हमारे पास अच्छी एक क्लोज मॉनिटरिंग सिस्टम है लोकास्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, जो आपने नाम सुना, इसलिए इस पेस्ट को काफ़ी मात्रा में सप्रेस किया जा सकता है. सो नाउ अंडर द सेकेंड वन एज बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ इन्फेस्टेशन, सो वी नॉर्मली हैव टू कैटेगरीज एज एन एपिडेमिक पेस्ट एंड अनदर वन इज द एंडेमिक पेस्ट. सो इफ यू लुक एट द एपिडेमिक पेस्ट, इट इज़ वन ऑफ द विच अकर सडनली इन अ सेवेयर फ्रॉम in a locality or over a large area infects. so say for example white fly on a cotton. so very recently we noticed that the outbreak of white fly on a BT cotton in Punjab area around 3 or 4 years back, and which is like in a epidemic from okay. so similarly in the southern India also on a cotton sometime we noticed the outbreak of this pest also. under the
endemic pest. So the pest which occur on a crop in a regular features, ठीक है, in a confined area or localities. For example, the gall fly in paddy. So generally the generally the paddy gall fly is restricted to the coastal region of the Karnataka and Kerala. So those are the referred as the endemic pest. On example, groundnut also we do get the pest which is nothing but the red headed hairy caterpillar, which is also referred as a endemic pest. Okay, so this is the basically based on the level of infestation. Now based on the population and damage capacity, so we can categorize the pest into the various form. So if you look at the population and the damage capacity, so understanding this graph is very important. As you can see, there is a GEP, that is a general equilibrium position, and EIL, that is the economic injury level, and DB, it is the damage boundary. So how the pest population is going to behave with respect to the economic injury level and damage boundary, it is most important. So under the we get the key pest. So in the key pest, as you can see that the GEP level is always higher than the EIL level, so which indicate that the pest is very closely associated with the crop and always found to be above the economic injury level. So it need to be brought down regularly below the economic injury level, and then you should always keep to check with that. Okay, so there is a repeated intervention, especially a human intervention is required to bring this population below the economic injury level regularly. For example, you can take cabbage. Okay, we get the DBM, diamondback moth, as well as in a chili we get what is called the thrips population. Now in the second category under the major pest, okay, now second one is the major pest. So the major pest, this is, you can look at the GEP is in close with EIL and sometime even touches the EIL. So that means to say that we need to have a very frequent and repeated control measure is required, but the economic damage can be avoided by the timely intervention of this. So this is the for example in the paddy yellow stem borer or paddy brown plant hopper, that is BPH, we can classify them under the major pest. This is now the third one is the category, this is a minor pest. So here you can see that the GEP is below the economic injury level and occasionally crosses the EIL. So only under the particular time the intervention is required to bring down the population again below the EIL level. So for example, we can take cotton strain in a cotton, or strainers in the cotton, or the Spodoptera lutura in several crop. They may be groundnut and they may be castor, so and so on. So they are generally found to be minor, and but sometimes they might actually cause economic loss. So there should be a close monitor, and then prevention as well as the management need to be intervened in order to bring its population below the EIL level. So this is okay. Now we have a sporadic pest as a fourth category. So of course the sporadic pest, as I have already told you, so is the GEP that will again be less than the or below the economic injury level, and suddenly it keeps surging ahead, and at the time we need the intervention to bring it below the economic injury level. So the grasshopper on the cotton and as well as the other will come under the sporadic pest category. So now we also have another pest category that is called as a potential pest.
okay, fifth category. So if you look at that, the paste population, they will be always below the what is called economic injury level, and that is the general equilibrium jo potential itself, it being population itself, it below the economic injury level, but they have all the capacity to become quite pestiferous, and then they cause a huge economic loss. So then also and that need to be a closely monitored and then bring them down. So whenever they actually try to surge ahead of the economic injury level, so this is the categories of paste. So in the next video मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊँगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो फ्रेंड. कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और टेलीग्राम